हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने आपका मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और जितना बता रहा हूँ आप उतना कंप्लीट कर लीजिए, आपसे सारे सवाल लग जाएंगे। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही कंप्लीट करो, क्योंकि मेहनत मुझे करने दो, क्योंकि मुझे एक सब्जेक्ट मैनेज करना रहता है, तुम लोग को तीन तीन सब्जेक्ट मैनेज करना रहता है, ठीक है। तो मेहनत मुझे करने दो, जितना बता रहा हूँ उतना कंप्लीट कर लो, सारे सवाल लग जाएंगे, ओके। तो चलो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग का हर एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ठीक है। तो बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? बैक बॉन्डिंग आती है, ब्रिज बॉन्डिंग आती है और बनाना बॉन्डिंग आती है, ठीक है। ये तीन टॉपिक है आपकी इसमें आती, ओके। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका बैक बॉन्डिंग, ठीक। और बैक बॉन्डिंग से जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान से सुनो, सवाल इजीली निकलेंगे, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग से देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं दिखाते चलता हूँ। कंडीशन फॉर ए बैक बॉन्डिंग क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसे ही दो तीन, यहाँ पे दो तीन चार मॉलिक्यूल्स दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें बैक बॉन्ड है कि नहीं, या बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, जैसे कि इस टाइप का। देखो यहाँ पे इस टाइप का, विच ऑफ द विच कंपाउंड डजेंट हैव बैक बॉन्ड, मतलब इसमें किस में बैक बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे भी ऐसा कोई बैक बॉन्डिंग नॉट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन फॉर ए बैक बॉन्डिंग से सवाल आ जाते हैं, कि ऐसे आपको दो तीन चार मॉलिक्यूल्स दे देगा, पूछेगा बताओ इसमें बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद इस तरह के आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग से, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग से मतलब अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है तो किस मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, या बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, किस में कम होगी। तो यही मेनली कंपाउंड देता है, और भी दे सकता है, मैं दो तीन एग्जांपल लिया हूँ, ऐसे दे देगा, पूछे किस में बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी किस में कम होगी। जैसे मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए बोला है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ वीकेस्ट पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, मतलब वीकर बैक बॉन्डिंग किस में होगी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग का सवाल ऐसे आता है, ठीक। और तीसरा वैरायटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, मतलब बैक बॉन्डिंग से क्या क्या इफेक्टेड होता है या चेंजेस आते हैं, ठीक। तो बैक बॉन्डिंग से भैया मेरे हाइब्रिडाइजेशन चेंज भी हो सकता है, नहीं भी चेंज हो सकता है, तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछता है। बॉन्ड एंगल चेंज भी हो सकता है, नहीं भी चेंज हो सकता है, बॉन्ड एंगल के बारे में पूछ सकता है। बॉन्ड एनर्जी हमेशा बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ हमेशा घटती है, स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ती है क्योंकि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, ठीक है। लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा घटती है, और रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी हमेशा घटती है। तो ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, ठीक है, बैक बॉन्डिंग से ये सारी चीज़ें कैसे इफेक्ट होती हैं, चलो करते हैं। पहले मैं क्वेश्चंस भी दिखा दूं आपको, ऐसे क्वेश्चंस देखिए पूछता है ये बैक बॉन्डिंग से। देखिए यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बी एफ बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट, देखो बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछा है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, कैसे शॉर्ट होगी अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या पूछा है, बॉन्ड एंगल के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पूछा हुआ है, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी इधर ही कहीं पूछा होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अभी दिखाता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन के बारे। हाँ ये देखो, देखो शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बैक बॉन्डिंग की वजह से ज्योमेट्री और शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यही देखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम डज नॉट ऑलवेज चेंज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर, ठीक है। तो मेनली इसमें क्या क्या पूछता है, बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ रहा है, बॉन्ड एंगल में क्या चेंज आ रहा है, बॉन्ड एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, बॉन्ड लेंथ में क्या चेंज आ रहा है, स्टेबिलिटी कैसे बढ़ रही है कैसे घट रही है, लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ और रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे घट रही है कैसे बढ़ रही है, यही सब चीज़ें पूछता है। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फॉलो करो, ईजिली सवाल लग जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है देखो, पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग कंडीशन फॉर ए बैक बॉन्डिंग, ठीक। मान लो ए और बी के बीच में बैक बॉन्डिंग होनी है, ठीक। तो ए और बी में से एक के पास क्या होगा, लोन पेयर होना चाहिए, और एक के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक। तो पहली कंडीशन क्या है बैक बॉन्डिंग की, हाँ ये भी याद रखो, जिनके बीच बैक बॉन्डिंग होनी है उनके पास, उनके बीच एटलीस्ट वन कोवेलेंट बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। तो लिख लो एटलीस्ट, एटलीस्ट, ठीक है, वन कोवेलेंट बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। बैक बॉन्डिंग होने के लिए दोनों एटम के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड होना जो बहुत जरूरी है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वन हैव लोन पेयर, वन एटम हैव लोन पेयर एंड
अनदर हैव वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। एक के पास लोन पेयर होना जरूरी है और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि बैक बॉन्डिंग किनके बीच इफेक्टिवली, बैक बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट करेंगे, जिनके पास लोन पेयर होगा वो हमेशा कौन होंगे, फोन होंगे, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हमेशा जो लोन पेयर डोनर होगा वो फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा, ठीक है। बैक बॉन्डिंग में इन जनरल बता रहा हूँ, इन जनरल, हमेशा नहीं, इन जनरल हो जाएगा, ठीक है। तो लोन पेयर डोनर यही होंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक। और लोन पेयर जो एक्सेप्टर होगा, मतलब जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वैकेंट वैकेंट ऑर्बिटल वाले कौन से हो जाएंगे, आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट हो जाएंगे। थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो सकता है कोई, और अगर सेकेंड पीरियड का है तो वो बोरोन होगा, ठीक है, वो बोरोन होगा, ठीक। तो इतना ध्यान रखिए, बोरोन होगा। और थर्ड पीरियड में भी मेनली आपका सिलिकॉन मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है, ठीक है, सिलिकॉन मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है। तो लोन पेयर डोनर कौन से होंगे आपके, FON, फोन। और लोन पेयर एक्सेप्टर कौन से होंगे, थर्ड पीरियड का भी होगा, सेकेंड पीरियड का भी होगा, लेकिन थर्ड पीरियड के सभी आ सकते हैं। और मेनली कौन सा आएगा, सिलिकॉन आएगा, एल्युमिनियम आएगा और यहाँ पे बोरॉन आएगा, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग की कंडीशन यही है कि जिनके बीच बैक बॉन्डिंग होनी है उनमें एटलीस्ट वन कोवेलेंट बॉन्ड हो, और एक के पास लोन पेयर और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। और लोन पेयर डोनर ए हमेशा सेकेंड पीरियड में लाई करेगा, जिसके पास लोन पेयर होगा, और बी हम जो आपका सेकेंड पीरियड में भी लाई कर सकता है और थर्ड पीरियड में भी लाई कर सकता है, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव तभी होती है जब जो दोनों एलिमेंट है वो सेकेंड सेकेंड पीरियड के हो या सेकेंड थर्ड पीरियड के हो, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग पता चल गई आपको कि कैसे बैक बॉन्डिंग हम पहचानेंगे, किस किस में बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, ठीक है। बैक बॉन्डिंग पहचानने का तरीका ये होता है। तो अभी आइए क्वेश्चन हम कर लेते हैं बैक बॉन्डिंग का, कि बैक बॉन्डिंग किन में होगी किन में नहीं होगी, ये सब देख लीजिए, ठीक है। जैसे BF3 है, ठीक है, मैं यहाँ एक डायग्राम, अगर डायग्राम आप नहीं भी बना रहे तो कंडीशन अप्लाई करके देखिए। बोरोन क्या है, आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास लोन पेयर होता है। फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और इसके पास तो तीन तीन लोन पेयर होते हैं, तो बैक बॉन्डिंग इसमें आसानी से हो जाएगी, ठीक है। और कैसे हो जाएगी, जैसे बोरोन है, इधर आ गया फ्लोरीन आपका, इधर आ गया फ्लोरीन और इधर आ गया फ्लोरीन, ठीक है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका लोन पेयर ऐसे करके आपको डोनेट हो जाएगा, तो बैक बॉन्डिंग हो जा रही है, ठीक है। यहाँ BCl3 में भी बैक बॉन्डिंग है, इसके पास लोन पेयर होता है और क्लोरीन के पास क्या है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, क्लोरीन के पास आपका लोन पेयर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। और हमेशा याद रखिएगा कि एलिमेंट किस पीरियड का है ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एलिमेंट किस पीरियड का है, सेकेंड सेकेंड या सेकेंड थर्ड पीरियड का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ सेकेंड सेकेंड पीरियड का है या सेकेंड थर्ड पीरियड का है तो भी हो जाएगा, ठीक है। बोरोन है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करा देगा, क्लोरीन है आपका लोन पेयर मतलब डोनर हो जाएगा। अब मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर नहीं पता है आपको, तो सिंपली कंडीशन अप्लाई कीजिए। बोरोन क्या है, सेकेंड पीरियड का है। नाइट्रोजन क्या है, सेकेंड पीरियड का है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रक्चर वैसे बनाना बड़ा आसान होता है, इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक बनता है, इसका भी रूल होता है, देख के हम पहचान सकते हैं स्ट्रक्चर साइक्लिक है कि यह साइक्लिक है, ठीक है। अगर सेंट्रल एटम तीन हो और जो पड़ोसी हैं वो सेंट्रल एटम के इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो आपके क्या बनता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। और कितने मेंबर की रिंग बनती है, जितना सेंट्रल एटम होता है उसके दुगने के बराबर रिंग बनती है, ठीक है। और रिंग में भी कौन कौन से एटम आएंगे, इनका भी रूल होता है। रिंग में वही एटम आता है जिसकी वैलेंसी दो या दो से ज़्यादा होती है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी वन होती है तो ये रिंग में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि रिंग में आपका मिनिमम दो बॉन्ड तो बनाना ही होता है रिंग फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये सब रूल होता है जो ऑब्जर्वेशन से निकल के आते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। कोई चीज़ याद नहीं करनी पड़ती केमिस्ट्री में, बस रूल बनाना पड़ता है, देर लगती है लेकिन रूल बन जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी देखिए वही कंडीशन अप्लाई हो रही है कि यहाँ पे ये भी स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा और इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगा। देखिए बोरोन है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कर देगा, और ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। P2F4 के केस में भी देखिए, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड के पास हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और सेकेंड पीरियड के पास लोन पेयर होता है, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। OF2 में देखिए, इनमें किसी के पास लोन पेयर, इनमें सब लोन पेयर तो है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है।
सेकेंड पीरियड में वैकेंट ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ या तो बेरिलियम के पास होता है या तो बोरोन के पास होता है, ठीक है, बेरिलियम के पास या तो बोरोन के पास, लेकिन बैक बॉन्डिंग में मिल नहीं, आपको बोरोन ही मिलेगा, ठीक है, बोरोन ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लोन पेयर है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो बैक बॉन्डिंग तो होगी ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कार्बन है, फ्लोरिन है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लोन पेयर तो है, ठीक है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। P4O10 ये थोड़ा स्पेशल होते हैं, ठीक है। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बैक बॉन्ड होता है, किस केस में, देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट बनाता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अब H2SO4 में हम बात करें बैक बॉन्डिंग होती है कि नहीं, जरूर होगी। देखिए जैसे कि H2SO4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, एक डबल बॉन्ड से जोड़ा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और ये दोनों डबल बॉन्ड जो होते हैं ना वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, ये दोनों डबल बॉन्ड मैंने आपको बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि कोई भी एलिमेंट उतने ही नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जितने उनकी वैलेंसी होती है, जितनी वैलेंसी होती है, तो वैलेंसी के बराबर कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, उसके बाद अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की दो प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ए और बी के बीच में है और ए कहाँ है, सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का है, तो ए सिंगल बॉन्ड बी में कन्वर्ट हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, और वही अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ए और बी के बीच में है और ए कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड और बिलो थर्ड पीरियड, ठीक है, थर्ड पीरियड का हो या फिर बिलो थर्ड पीरियड का हो, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है ए डबल बॉन्ड बी में, ठीक है, ए डबल बॉन्ड बी में। तो जान लीजिए जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्ट डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है उसमें बैक बॉन्डिंग जरूर होती है, बैक बॉन्डिंग, जैसे यहाँ पे देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो इसमें बैक बॉन्डिंग जरूर होगी। कैसे होगी आइए बताता हूँ। देखिए जैसे कि सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, नियॉन के बाद आपका, नियॉन के बाद 3s2 3p4 हो जाएगा, ठीक है, 3p4 हो जाएगा, और वही आपका ऑक्सीजन का तो हमेशा ऐसा होता है, ऑक्सीजन का लिख लेते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p4 होता है, ठीक। अब देखिए सल्फर के वैलेंस शेल में ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में आपके 4 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने क्या बोला जिसके पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, वैलेंसी 2 होने के कारण ये 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब जानते हैं कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं इसलिए 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, उसके बाद इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो अब देखिए जब सल्फर ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जब सल्फर ये बॉन्ड बनाता है ये वाला बॉन्ड, ठीक, तो इसमें क्या करता है, सल्फर पहले ऑक्सीजन को अपना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सल्फर ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर रहा है तो हम जानते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब देता है कोई तो जो लेता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन का भी कन्फिगरेशन ऐसा ही होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का कैसा होगा, 2s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऑक्सीजन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो कैसे लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, जब भी ऑक्सीजन को कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आ जाता है और यहाँ पेयर बना लेता है, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कर देता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन को कोई भी अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑक्सीजन का ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आ जाता है, जैसे यहाँ पेयर बन जाता है और यहाँ क्या हो जाता है, वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाता है, मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो जब ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे देता है तो ये इसमें एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। अब फिर क्या बोलता है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ से बैक डोनेशन करता है, ठीक है, क्यों, इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल 3d तो खाली होगा, ठीक है, इसके डी ऑर्बिटल में, ओके। तो इसीलिए ये वाला बॉन्ड जो है ना, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड थर्ड पीरियड या बिलो थर्ड पीरियड का एलिमेंट बनाता है तो आपका क्या होता है, वो डबल बॉन्ड में इसीलिए कन्वर्ट हो जाता है कि सल्फर जब अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है तो ये एक्सेप्ट कर लेता है, फिर ये बैक डोनेट करता है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर एटम या सल्फर के वैकेंट डी ऑर्बिटल में, इसीलिए ये बॉन्ड जो है ना सीधे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ है यहाँ पे, इसीलिए ये डबल बॉन्ड सल्फर डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे सेकेंड पीरियड के केस में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाता, जैसे कि नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड मान लीजिए ऑक्सीजन है, ठीक
ठीक है। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे तो दे देता है और ये ऐसे एक्सेप्ट कर लेता है अपना वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करके। लेकिन लेकिन अगर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे कोऑर्डिनेट करना चाहेगा तो इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो यहाँ कहाँ एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए ये वाला अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेकेंड पीरियड के एलिमेंट बनाते हैं तो ये डबल बॉन्ड में नहीं कन्वर्ट हो पाता, क्योंकि दे तो देते हैं लेकिन ले नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, अगर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं तो वो बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, लेकिन थर्ड या बिलो थर्ड पीरियड के एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है तो वो एक बैक बॉन्डिंग होती है। तो जो पी फोर ओ टेन का स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो देखते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है ना ऐसे करके, जैसे सीधे बना ही देता हूँ मैं पूरा, जैसे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हर एक सल्फर ऑक्सीजन के फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन होता है। ठीक, तो देखिए फास्फोरस तीन बॉन्ड बना चुका है, फास्फोरस की वैलेंसी तीन होती है, मैंने क्या बोला जितनी वैलेंसी होती है उतने भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो तीन बॉन्ड बना लिया। अब इसके बाद ये जो बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट बना है इसलिए ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और मैंने क्या बोला अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड थर्ड पीरियड का एलिमेंट या बिलो थर्ड पीरियड का एलिमेंट बनाया तो उसमें बैक बॉन्डिंग क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। लेकिन इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है कि जो बैक बॉन्ड मतलब बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे वो सेकेंड सेकेंड के होना चाहिए और सेकेंड थर्ड के होना चाहिए। तो यहाँ सेकेंड और थर्ड के हैं और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक टाइप का क्या है बैक बॉन्ड है, तो पी फोर ओ टेन में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी देखिएगा कि अगर सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, और उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो वो भी बैक बॉन्डिंग की ही कंडीशन होती है। ठीक है, इस तरह से होता है वो। ओके, जैसे ओ एस आई एस टू, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है और सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। सी एल ओ फोर, वही देखिए, पहचानना, अगर आपको ये पहचानना है कि किसी के पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि नहीं है तो सिंपली मैंने क्या बोला अगर वो अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाया है। ठीक है, अगर अपनी वैलेंसी, जैसे यहाँ पे सी एल ओ फोर का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो सी एल डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ और ओ नेगेटिव। ठीक है, तो ये देखिए क्लोरीन की वैलेंसी वन होती है और ये बॉन्ड कितने बनाया है, सात बॉन्ड बनाया है, तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर होगा। और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या है बैक बॉन्डिंग इसमें होगी। ओके, इसी तरह यहाँ पे भी देख ली, एस आई थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसमें भी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता स्ट्रक्चर तो ये भी कंडीशन अप्लाई करके देख लीजिएगा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि थर्ड पीरियड के पास तो हमेशा वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और सेकेंड पीरियड के पास लोन पेयर की तो भरमार होती है भाई। तो बैक बॉन्डिंग पहचानने के जो टेक्निक्स होती है वो ये होती हैं। ठीक है, तो जैसे ही देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आया है, इसमें पूछा हुआ है विच कंपाउंड डजेंट हैव बैक बॉन्ड। ठीक है, तो इनमें सब में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, आंसर वैसे सी एल ओ फोर माइनस दिया लेकिन ये आंसर गलत है। ठीक है, ये आंसर गलत है, सब में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा बोरॉन है ऑक्सीजन में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, पी फोर ओ टेन में हो जाएगी, बी थ्री एन थ्री एच सिक्स में भी हो जाएगी, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पे सी एल ओ फोर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और मैंने बताया कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर थर्ड पीरियड के एलिमेंट बनाया है तो वो बैक बॉन्ड होता है। ठीक है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट बनाया है। ओके, तो इस तरह से, उसी तरह यहाँ पे बैक बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, सब में प्रेजेंट है। देखिए पी फोर ओ टेन में भी है, पी टू एफ फोर में भी है। पी टू एफ फोर में कैसे है, फॉस्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल होगा, फ्लोरिन के पास लोन पेयर की भरमार होती है तो बैक बॉन्डिंग इसमें भी होगी। एस आई थ्री ओ नाइन बिल्कुल होगी, थर्ड पीरियड का है वैकेंट ऑर्बिटल होगी, सेकेंड पीरियड का है लोन पेयर होगा इसके पास। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। तो बैक बॉन्डिंग पहचानने का तरीका यही होता है, अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट आपस आस पास है तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर नई स्ट्रक्चर आप बना पा रहे हैं, ठीक है, तो वो कंडीशन देखिएगा, कंडीशन अप्लाई हो जा रही है तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो बैक बॉन्डिंग की कंडीशन आपको पता चली कि कैसे पहचानेंगे हम बैक बॉन्डिंग। ओके, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और एक के पास लोन पेयर हो, थर्ड पीरियड वालों के पास हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल होता है, सेकेंड पीरियड वालों के पास हमेशा लोन पेयर होता है। ठीक है, अगर सेकेंड सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है तब आपको सोचना पड़ेगा कि किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है। सेकेंड पीरियड का मेनली आपको बोरॉन दिखेगा तो वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा, अदर दिखेंगे तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया कंडीशन फॉर ए बैक बॉन्डिंग, कि ऐसे पहचानिएगा कि किसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है किसमें नहीं हो रही। अब स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक है,
मतलब अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो किस में इफेक्टिवली बैक बॉन्डिंग होगी और किस में इफेक्टिवली बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ये सेकेंड टॉपिक है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं आपका, एक क्वेश्चन जैसे कि मैं पहले कंपेयर करके, तो देखिए जैसे ओ सी एल टू अगर दे दिया जाए आपको और ओ एस आई एस थ्री का होल ट्वाइस दे दिया जाए और आपसे पूछ दे कि बताओ किस में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है, देखिए बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा होती है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिए जो बात सुन, बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा होती है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, जैसे कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन जब आपस में जुड़े रहेंगे, ठीक है, तो हम जानते हैं इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन और क्लोरीन के केस में भी ऐसा कंडीशन होगा कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, इसमें लोन पेयर होगा, लेकिन किस में बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी या स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 और इसकी अराउंड 1.9 होती है, तो डिफरेंस देखेंगे तो 1.6 आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 और क्लोरीन की 3.1 समथिंग होती है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.4 आ रहा है। मैंने क्या बोला, डिफरेंस जितना ज़्यादा आएगा स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, देखिए डिफरेंस ज़्यादा है तो इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है, अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा और इस पे नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा और ऑलरेडी इसके पास बहुत लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो जब जब ये भिखारी बनता है, ठीक है, तो कहता है भैया मेरे ले लो मेरा लोन पेयर, ठीक है, तो ये वाला लोन पेयर आपका दे देता है इसको, ठीक है। तो जितना देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट हो जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट हो जा रहा है तो बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी, लोन पेयर डोनर टेंडेंसी ज़्यादा हो जा रही है, और लोन पेयर जितना आसानी से, मतलब लोन पेयर जितना आसानी से डोनेट हो जाएगा बैक बॉन्डिंग उतनी ही आसानी से हो जाएगी, मतलब बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज उतना क्रिएट नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा तो लोन पेयर यहाँ से यहाँ जाएगा लेकिन थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, मतलब स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो जब भी बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ पूछे तो आप कैसे कंपेयर कीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ज़्यादा होगी, बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी या बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर ओ सी एल टू और एस आई एस टू में बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ पूछे तो एस ओ एस आई एस टू में बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट होगा, लोन पेयर आसानी से डोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए, यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिल रहा है, अगर ऐसा दे दिया जाए एन एस आई एच थ्री का होल थ्राइस, एन एस आई एस थ्री का होल ट्वाइस, यहाँ पे एन एच भी होगा और एन एच टू एस आई एच थ्री, यहाँ पे तो भैया मेरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे कैसे बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ हम डिसाइड करेंगे। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जैसे कि देखो नाइट्रोजन है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा और यहाँ लोन पेयर होगा, ठीक है, और यहाँ एक एस आई एस थ्री होगा, ठीक। एक और क्या है आपका, नाइट्रोजन है लोन पेयर है, एक ही हाइड्रोजन है और दो एस आई एच थ्री है, ठीक, और एक लोन पेयर है और तीनों एस आई एच थ्री हैं, तीनों आपके एस आई एच थ्री हैं, ठीक। अब ध्यान से सुनो यार, देखो लोन पेयर जो है ना इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जाना है, ठीक है, तभी बैक बॉन्डिंग होगी। अब बताओ यार लोन पेयर को इस कहाँ कन्फ्यूजन कम है, मतलब लोन पेयर को डोनेट करने में कन्फ्यूजन जितना कम होगा, देखो लोन पेयर को डोनेट करने में, अब लोन पेयर देखो यहाँ पे लोन पेयर कन्फ्यूज नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो लोन पेयर जानता है कि हमें यहाँ ही कोऑर्डिनेट यहाँ पे ही डोनेट करना है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर कन्फ्यूज है, लोन पेयर यहाँ भी मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ भी वैकेंट ऑर्बिटल है, तो लोन पेयर सोचता है हम किसको अपना लोन पेयर दें, और यहाँ पे जो लोन पेयर है भैया मेरे तो यहाँ कन्फ्यूज है, यहाँ भी एक्सेप्टर है, यहाँ भी एक्सेप्टर है, यहाँ भी एक्सेप्टर है, तो लोन पेयर को देने में कन्फ्यूजन जितना कम होगा, बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है, बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो होगी उतनी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, देखो बैक बॉन्डिंग क्या है कि आपको
कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है और बैक बॉन्डिंग यहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि कंप्लीट बैक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ये दे देगा ना, तो ये कंप्लीट डबल बॉन्ड क्रिएट हो जा रहा है, कंप्लीट डबल बॉन्ड क्रिएट हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या पार्शियल क्रिएट होगा कि थोड़ा इस कभी कभी इसको इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, कभी कभी यहाँ डोनेट करेगा। और यहाँ पे तो और कन्फ्यूज है, कभी यहाँ डोनेट करेगा तो कभी यहाँ डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो लोन पेयर को देने में कन्फ्यूजन जितना कम होगा, बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, ओके, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऐसे पहचानते हैं, अगर अगर बोल दे तो बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ किस में सबसे ज़्यादा है, तो देखो लोन NH2 SiH3 में ज़्यादा होगी, उसके बाद किस में ज़्यादा होगी, NH SiH2 का होल ट्वाइस, और उसके बाद NH नहीं SiH3 का होल थ्राइस, ठीक है। तो लोन पेयर को देने में कन्फ्यूजन जितना कम होगा, मल्टीपल टेन बॉन्ड कैरेक्टर डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज़्यादा आएगा, और आपके क्या होगा बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। बैक बॉन्डिंग होती ही क्या है कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पड़ोसी को दे देना, अब आसानी से दे देगा तो बैक बॉन्डिंग आसानी से हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ आसानी से दे दे रहा है, यहाँ कन्फ्यूज है, यहाँ तो महा कन्फ्यूज है, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। कन्फ्यूजन कम होगी तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस मिल रहा है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस मतलब बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लेना। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नहीं मिल रहा है, तो देखना लोन पेयर कहाँ कन्फ्यूज नहीं है। अगर कन्फ्यूज नहीं होगा तो बैक बॉन्डिंग आसानी से हो जाएगी और स्ट्रेंथ क्या होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। इतना बात समझ में आ रही है, ओके, ठीक है। अब चलते हैं आपके एप्लीकेशन इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग की तरफ, ठीक है। इनको समझेंगे तभी यही समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक माहौल बना रहा हूँ, ठीक। अब ये समझ गए आप तो ये आसानी से समझ में आएगा। आओ चलते हैं, कैसे समझ में आएगा आओ बताता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल क्या ले लेते हैं, जैसे BF3 ले लो, ठीक है, BCl2 ले लो। अब चलो देखते हैं कि बैक बॉन्डिंग से ना बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ कैसे अफेक्टेड होती है, मतलब इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम BF3 को ले लेते हैं, और यहाँ पे हम NSiH3 का होल थ्राइस को ले लेते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग केसेस हैं, दोनों आपको क्लियर हो जाएंगे, सारा केस इन दोनों कंपाउंड से क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए इसमें बैक बॉन्डिंग कहाँ से होगी, जैसे बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और फ्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग कहाँ से कहाँ हो रही है, सराउंडिंग एटम से हो रही है टू सेंट्रल एटम, ठीक है। बैक बॉन्डिंग कहाँ से हो रही है, सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम। और यहाँ पे कहाँ से कहाँ हो रही है, यहाँ पे लोन पेयर किसके पास है, सेंट्रल एटम के पास है, ठीक है। लोन पेयर आपका सेंट्रल एटम के पास है, और बैक बॉन्डिंग कहाँ से हो रही है, सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम हो रहा है, बात समझ में आ रही है। अब चलिए हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा बताइए, जब इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हुई रहती है तब इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड थे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो बैक बॉन्डिंग जब नहीं हुई थी तभी भी इसके पास क्या थे, तीन सिग्मा बॉन्ड थे, एक ये एक ये एक ये, ठीक है, ठीक। और बैक बॉन्डिंग जब हो गई तो भी तीन ही सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग जो होता है हमेशा एक पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैरेक्टर का होता है। मैंने क्या बताया, एक एटलीस्ट सिग्मा बॉन्ड होगा, मतलब बॉन्ड होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड, तभी बैक बॉन्डिंग होगी। तो एक बॉन्ड बनने के बाद दूसरा बॉन्ड क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो बैक बॉन्डिंग से जो बॉन्ड बनता है वो किस कैरेक्टर का होता है, पाई कैरेक्टर का होता है, ठीक है। तो और वो बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है, ठीक। तो पहले भी तीन सिग्मा थे, बाद में भी तीन सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे नॉट चेंज्ड, ठीक है, नॉट चेंज्ड, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखो अगर आपका बैक बॉन्डिंग यहाँ नहीं हुई होती तो तीन सिग्मा आते और एक लोन पेयर आता, हाइब्रिडाइजेशन हम सेंट्रल एटम का निकालते हैं, तो एक दो तीन सिग्मा एक लोन पेयर, ठीक है, तीन सिग्मा एक लोन पेयर बिफोर बैक बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या आ जाता, SP3। बैक बॉन्डिंग हो गई तो लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गया, और लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। तो आपके इसके पास क्या हो जाएंगे, तीन सिग्मा जीरो लोन पेयर आफ्टर बैक बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, SP2 हो जाएगा। तो देखो बैक बॉन्डिंग से आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज भी हो सकता है,
नहीं भी चेंज हो सकता है। ठीक है, चेंज कब हो रहा है? जब बैक बॉन्डिंग सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की ओर हो रही है। और चेंज कब नहीं हो रहा है? जब बैक बॉन्डिंग सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम की ओर हो रही है। तो एक पॉइंट यहाँ लिख लो, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, जो जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है, सब चीज़ें क्लियर हो रहा है। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ठीक है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में चेंज्ड और नॉट, में चेंज और मे नॉट चेंज्ड, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन चेंज भी हो सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता है। चेंज कब हो रहा है? जब बैक बॉन्डिंग सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की ओर हो। और चेंज कब नहीं हो रहा है? जब बैक बॉन्डिंग सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम की ओर हो। तो हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट की तरफ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल की तरफ आओ। ठीक है, अब देखो भैया मेरे, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रहा, तो बॉन्ड एंगल कैसे चेंज होगा बताओ? बॉन्ड एंगल तभी चेंज होगा जब हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल तभी चेंज होगा जब हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पहले भी sp2 था, बाद में भी sp2 है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? चेंज नहीं होगा। और वैसे भी चेंज नहीं होगा कि हर एक तरफ से बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी जो होगी ना पार्स मतलब इक्वल होगी। तो सारे बॉन्ड जो होंगे ना वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री पे ही बने रहेंगे। सारे बॉन्ड के बीच रिपल्सन इक्वल रहेगा। तो बॉन्ड एंगल यहाँ चेंज रहे, सिंपल ऐसे देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है तो बैक बॉन्ड एंगल चेंज होगा, नहीं चेंज हो रहा है तो नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो गया, तो बॉन्ड एंगल भी तुम्हारा 109 डिग्री 28 मिनट से कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। तो इससे ये भी स्टेटमेंट यही निकल के आ रहा है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन की जगह क्या लिखना, बॉन्ड एंगल मे चेंज और मे नॉट चेंज। ठीक है, बॉन्ड एंगल चेंज भी हो सकता है, नहीं भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ठीक, ये समझ में आया? मे चेंज लिख लो, आप लिख लेना मे चेंज्ड और मे नॉट चेंज्ड। ठीक है, ये थोड़ा पेन का निप अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखते हैं हम बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। अब देखो यार, बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड एनर्जी ऑलवेज इंक्रीज करती है, ऑलवेज इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? देखो, बैक बॉन्डिंग से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। ठीक है, डबल बॉन्ड हम जानते हैं, बैक बॉन्डिंग अगर नहीं होती तो ये सिंगल बॉन्ड होता, ये सिंगल बॉन्ड होता, और बैक बॉन्डिंग हो गई तो ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। हम जानते हैं डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड एनर्जी ऑलवेज इंक्रीज होती है। अगर बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगा भैया मेरे? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। ये चार पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? इन चारों पॉइंट पे ही मैक्सिमम सवाल आते हैं, मैक्सिमम सवाल इन्हीं पे आते हैं कि बैक बॉन्डिंग से पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ। ठीक है, दूसरा क्या पूछ देगा? बॉन्ड एंगल चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ। तीसरा पूछ देगा बॉन्ड एनर्जी में क्या चेंज आया, बॉन्ड लेंथ में क्या चेंज आया। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से बोलो। ठीक है, समझ में आया तो चलो सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल करते हैं, जैसे कि ये वाला सवाल ले लो। जैसे कि एक सवाल दिखाता हूँ, सवाल करवाता हूँ, कॉन्सेप्ट और क्लियर करवा देता हूँ। पहले इसको करते हैं, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग, ठीक है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट 186 देखिए, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग OSIS3 का होल ट्वाइस और OCl2 मॉलिक्यूल। द बोल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? बैक बॉन्डिंग इन बोथ मॉलिक्यूल किस टाइप की ओवरलैपिंग है, और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इन बोथ मॉलिक्यूल इज सेम और नॉट। तो पहले भैया मेरे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। कौन कौन सा कंपाउंड दिया है भैया मेरे? देखो, ओ दिया है और SiH3 का होल ट्वाइस दिया हुआ, और ओ Cl2 दिया हुआ। तो पहले देखो बैक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होगी। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इसमें ज़्यादा है, बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इसमें क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब देखो, ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है, SiH3 यहाँ पे लोन पेयर क्या है? यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है,
दो लोन पेयर इसके पास है और यहाँ पे। अब ये लोन पेयर क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ना के बराबर होती है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है आपका, ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर है, और ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में ना के बराबर पार्टिसिपेट करता है। मैंने आपको बताया भी था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें बैक बॉन्डिंग ना के बराबर होती है, इसलिए इनका लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हो जाता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो चलो बताते हैं यार। देखो तो यहाँ बैक बॉन्डिंग इफेक्टिवली होगी, बैक बॉन्डिंग इफेक्टिवली होगी तो डबली बॉन्ड कैरेक्टर क्या आएगा, ये मतलब ज़्यादा आएगा, ठीक है, डबली बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोन पेयर कंप्लीटली पार्टिसिपेट कर रहा है बैक बॉन्डिंग में, ठीक है, तो लोन पेयर कंप्लीटली पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर नहीं पार्टिसिपेट करता तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता, पार्टिसिपेट कर गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, क्योंकि देखो ये सिग्मा और एक लोन पेयर, क्योंकि ये वाला लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ चेंज हो गया। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता क्योंकि बैक बॉन्डिंग इस पर ना के बराबर होती है, तो दो सिग्मा यहाँ होते हैं, दो सिग्मा और दो लोन पेयर होता है, ठीक है, दो लोन पेयर होता है, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ऐसा होगा हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद बॉन्ड एंगल पे बात करते हैं, मैंने क्या कहा यहाँ पे चेंज होता है तो बॉन्ड, देखो sp3 से sp2 में चला गया तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे क्या है, sp3 था, sp3 ही रहेगा क्योंकि इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, तो बॉन्ड एंगल सेम रहेगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी की बात करें भैया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम्प्लीटली आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी बहुत सी कम है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी यहाँ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ कहाँ ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ यहाँ ज़्यादा होगी, ठीक है, यहाँ बॉन्ड एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। अब बॉन्ड लेंथ यहाँ कम हो जाएगी और बॉन्ड एनर्जी सॉरी बॉन्ड लेंथ यहाँ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी निकाल दिए तो अपोजिट बॉन्ड लेंथ कर देते हैं। तो चलो स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, पहला लिखा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग इज मोर इन OSIS2 मॉलिक्यूल देन OCl2। बात सही है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग OSIS3 में ज्यादा है एज कंपेयर टू OCl2। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखो, SiO(Si) बॉन्ड एंगल इन OSIS3 इज ग्रेटर देन ClOCl बॉन्ड एंगल, बिल्कुल सही है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो जा रहा है, 109 डिग्री से क्या हो जा रहा है, 120 डिग्री हो रहा है, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है ज़्यादा, और इसमें बॉन्ड एंगल क्या है, 109 डिग्री ही बना रह रहा है। तो बॉन्ड एंगल ये वाला जो है SiO(Si) बॉन्ड एंगल ये क्या है, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ClOCl बॉन्ड एंगल, बात बिल्कुल सही। द नेचर ऑफ बैक बॉन्डिंग इन बोथ द मॉलिक्यूल 2p π 3d π, ये बॉन्ड निकालने का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने बताया था। देखो ऑक्सीजन हमेशा अपना 2p ऑर्बिटल यूज़ करेगा, ठीक है, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट अपना d ऑर्बिटल यूज़ करेंगे, तो बैक बॉन्डिंग अगर होगी तो वो किस टाइप की होगी, 2p π होगी, 3d π होगी। 2 और 3 क्या होते हैं, सेल होते हैं, ऑक्सीजन थर्ड सेकेंड पीरियड का है तो 2 लिख दिया, और क्लोरीन थर्ड पीरियड का है तो 3 लिख दिया, और ये ऑक्सीजन अपना पी ऑर्बिटल यूज़ किया तो पी लिख दिया, और क्लोरीन अपना डी ऑर्बिटल यूज़ किया तो डी लिख दिया, और बना क्या बॉन्ड, ये पाई कैरेक्टर का बना, इसलिए पाई लिखा है, तो 2p π 3d π बैक बॉन्डिंग, ठीक है, तो दोनों में 2p π 3d π बैक बॉन्डिंग है, ओके। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन बोथ द मॉलिक्यूल इज सेम, बात गलत है। देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 से sp2 हो गया, यहाँ पे sp3 ही है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन डी वाला हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन बोथ द मॉलिक्यूल सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये तो आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल दिए थे तो ऐसे कंपेयर कर दिया। अब मान लो ऐसा दे दिया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, यही उसके ऊपर वाला ही, कि बोथ NSiS3 का होल थ्राइस एंड NHSiS3 का होल ट्वाइस कंपाउंड हैव ट्राइगोनल प्लेनर स्केलेटन, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाती है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है बॉन्ड एंगल के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड लेंथ और बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ के बारे में। तो सिंपली उनका भी देख लेते हैं, कंपाउंड कौन कौन सा है देख लेते हैं यार, हर चीज़ें क्लियर कर लो। पहला है NHSiS3 का होल ट्वाइस है, ठीक है, और एक आपका है NSiS3 का होल थ्राइस है। इसमें आपका बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने बोल रहा है, तो मैंने देखो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा,
एस आई एस थ्री इधर हो जाएगा, एस आई एस थ्री इधर हो जाएगा, यहाँ लोन पेयर, यहाँ पे देखो लोन पेयर, एक एस आई एस थ्री यहाँ, एक एस आई एस थ्री यहाँ और एक एस आई एस थ्री यहाँ। पीछे ही मैंने बताया कि बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कैसे हम देखेंगे, लोन पेयर को देने में कन्फ्यूजन जितना कम होगी बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो देखो लोन पेयर यहाँ पे दो लोग में ही बट रहा है, लेकिन लोन पेयर यहाँ तीन लोग में बट रहा है, तो लोन पेयर यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज है, तो बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ इससे इसमें ज़्यादा होगी, और बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, मल्टीपल बॉन्ड की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, मल्टीपल बॉन्ड के बनने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से मल्टीपल बॉन्ड बनता है, तो बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जिसमें ज़्यादा होगी उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज़्यादा आएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एंगल ज़्यादा। बॉन्ड एंगल इसलिए ज़्यादा होगा, मैंने बॉन्ड एंगल में बताया था आपको कि डबल बॉन्ड में की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है तो उसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या होगा, पास रहता है, और न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होता है, और परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, और बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो आओ देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है भैया। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि एस आई एन एस आई बॉन्ड एंगल इन एन एच एस आई एस टू, एस टू में बोल रहा है, दो ही सिलिकॉन है यहाँ पे, बॉन्ड एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन एन एस आई एन एस आई बॉन्ड एंगल इन एन एस आई एस थ्री का होल थ्राइस। देखो यहाँ पे लोन पेयर को देने में कन्फ्यूजन ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल कम बिल्कुल सही है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग ज़्यादा इसमें है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखो, एन एस आई बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, एन एस आई बॉन्ड लेंथ इन एन एच, ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी इसकी, छोटी होगी इनमें, क्यों बॉन्ड लेंथ छोटी होगी भाई, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, एन एन एच जो है, एन एच एस आई एच टू जो है ना, एच थ्री का होल ट्वाइस ट्वाइस, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी एज कम्पेयर टू एन एस आई एच थ्री का होल थ्राइस, क्योंकि इसमें लोन पेयर आसानी से बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी इसमें ज़्यादा है, और मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा होगी एन एस आई एस थ्री की एज कम्पेयर टू इसकी, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में क्या दे रहा है आपका, बी ऑप्शन में दे रहा है कि एन सिंगल बॉन्ड एस आई बॉन्ड लेंथ इन एन एच एस आई एस थ्री होल ट्वाइस इज ग्रेटर देन बोल रहा है, लेकिन होना चाहिए लेस देन, ठीक, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट सही है कि इसमें एन एस आई बॉन्ड लेंथ इन एन एच एस आई एस थ्री का होल ट्वाइस इज लेस देन एन सिंगल वन एस बॉन्ड लेंथ इन एन आई एस आई एस थ्री का होल थ्राइस, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, और ये वाला भी सही है कि बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इन इसमें ज़्यादा है। मैंने क्या बताया, लोन पेयर को देने में कन्फ्यूजन जितना कम बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा, तो एन एच एस आई एस थ्री का होल ट्वाइस में बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एन एस आई एस थ्री का होल थ्राइस में, ठीक। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, किस में बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा, मैंने बताया था कि अगर एटम डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ डिसाइड कीजिएगा, और एटम अगर सेम हो जाए तो लोन पेयर को देने में कन्फ्यूजन जितना कम बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा, और बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा, और बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई, इस बात को याद रखिएगा, तीनों चीज़ ही पूछेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, बात समझ में आ रही है, तो ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। और कुछ देखता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो करवा देता हूँ, लाइन बाय लाइन सब करते चलते हैं, इतना ही आपको बताना है, ठीक है। एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एन एच बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पूछ रहा है, तो शॉर्टेस्ट पूछ रहा है तो यार देखो किसमें बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी सबसे कम है, मतलब सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, तभी तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, एन आई एच टू एस आई का, इसमें क्या होता है, इसमें लोन पेयर को, लोन पेयर एक ही जगह जाता है, लोन पेयर एस आई एस थ्री एक का एक ही मॉलिक्यूल है, तो लोन पेयर को देने में आपको कन्फ्यूजन कम होगी,
तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, NSI बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। ठीक है, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है वीकेस्ट पी पाई डी पाई बॉन्ड, वीकेस्ट बोल रहा है पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी डिफरेंस इन सब के केस में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, यही है, देखिए इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी डिफरेंस इसमें कम होता है। ऑक्सीजन और ओ सी एल टू देख जाए और एन सी एल थ्री देख जाए तो बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी बहुत ही कम होती है, जान लीजिए, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, उतना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं हो पाता है, जिससे लोन पेयर क्या हो आपका वैकेंट ऑर्बिटल में जा पाए। ठीक है, तो ओ सी एल टू आपको दिख जाए और एन सी एल थ्री दिख जाए तो बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी बहुत ना के बराबर होती है। ठीक, उस बात को ध्यान। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन है, बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देगा पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर दे देगा। यहाँ पे नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है, आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा। ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा आएगा तो बैक बॉन्डिंग आसानी से हो जाएगी। तो वीकेस्ट किस में होता है, ओ सी एल टू और एन सी एल थ्री में बहुत ही वीकेस्ट बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी होती है। ठीक, देखिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम डज नॉट ऑलवेज चेंज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, हमने देखा कभी चेंज होता है कभी नहीं चेंज होता है। दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो हाइब्रिडाइजेशन कब नहीं चेंज होता है, जब बैक बॉन्डिंग कहाँ से होती है, यहीं पे मैंने बताया सराउंडिंग एटम से किस किसकी तरफ हो, सेंट्रल एटम की ओर हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम की ओर होगी तो आपका क्या होगा, बैक बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। और वही अगर सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की ओर बैक बॉन्डिंग होगी तो बैक हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है किस में चेंज नहीं होगा, तो ये वह आपका कार्बिन होता है, पता नहीं आप लोगों ने कार्बिन पढ़ा है कि नहीं। यहाँ पे देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है, क्लोरीन ने कार्बन के पास है, तो ये सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की ओर बैक बॉन्डिंग होगी। यहाँ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है तो सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की ओर होगी। यहाँ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास है तो बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी किसके है, सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की ओर होगी। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा लेकिन यहाँ चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, वैसे कार्बिन आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ कार्बिन सी सी एल टू अगर आपको दे दें, सी एफ टू दे दे आपको, तो इनमें क्या होता है, एक लोन पेयर होता है और एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है कार्बन पे, और कार्बन पे वैकेंट जो ऑर्बिटल होता है वो क्लोरीन आपको क्या करता है, डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए सराउंडिंग एटम दिया है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है। तो जब भी बैक बॉन्डिंग सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम की ओर होती है, सराउंडिंग से सेंट्रल एटम, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका ओ सी एल टू हो जाएगा आंसर। ठीक है, वैसे ये गलत दिया हुआ है, ये सारे जो ऑप्शंस है वो गलत दी हुई हैं। ठीक है, इस बुक में बड़ी थोड़ी गलतियाँ निकल रही हैं लेकिन अच्छे राइटर की बुक है, पता नहीं इतनी गलतियाँ क्यों। ये हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि क्या ज्योमेट्री आएगी, लोन पेयर पार्टिसिपेट कर जाएगा यहाँ पे बैक बॉन्डिंग में, यहाँ भी लोन पेयर आपका बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका प्लेनर होगा, इसका पिरामिडल बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो पिरामिडल आएगा, इसका पिरामिडल, एक सेकंड देख लेते हैं हम लोग, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 आएगा, तो प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। इसमें मिथाइल है तो इसके पास मिथाइल के पास वैकेंट ऑर्बिट, चलिए करवा देता हूँ। ठीक है, करवा देता हूँ, क्या क्या है आपका, नाइट्रोजन है और SiS3 का होल थ्राइस है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी और लोन पेयर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। तो 3σ0 लोन पेयर, ठीक है, 3σ0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2, प्लेनर हो जाएगा, प्लेनर हो गया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वैसे मैंने बता दिया, और यहाँ पे NCH3 का होल थ्राइस बता रहा है, CH3 का होल थ्राइस, यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और लोन पेयर है तो पिरामिडल सेफ होगा, पिरामिडल सेफ होगा। ठीक है, उसी तरह एक कंपाउंड और दिया आपका कि PSiS3 का होल थ्राइस, तो यहाँ पे देखिए बैक बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि थर्ड थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। मैंने क्या बोला, लोन पेयर डोनर हमेशा सेकेंड पीरियड का होगा और एक्सेप्टर सेकेंड का भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, तो यहाँ लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। तो 3σ0 एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होगा, एक लोन पेयर है तो जब सेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल होगा। तो प्लेनर पिरामिडल पिरामिडल, ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ है, प्लेनर पिरामिडल पिरामिडल, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके सवाल आते हैं, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे भी अगर देखना चाहते हैं आपकी BF2 NH2 मॉलिक्यूल में आपको अगर बॉन्ड एंगल देखना है
तो एफ बी एफ बॉन्ड एंगल बोल रहा है, ये सिंपली आप कंपेयर कर लेंगे, बेंड्स रूल और बॉन्ड एंगल देख लेंगे तो आप सिंपली उससे कंपेयर कर लेंगे। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बॉन्ड एंगल इज नॉट अफेक्टेड, मतलब बॉन्ड एंगल नहीं चेंज होगा। मैंने अभी बताया बी एफ थ्री में बैक बॉन्डिंग कहाँ से होती है आपकी, सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम की ओर होती है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल नहीं चेंज होगा। लेकिन ओ सी एल टू में सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की ओर होगी, ओ एस आई एस थ्री का होल ट्वाइस में सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की ओर होगी, तो बॉन्ड एंगल अफेक्ट होता है, तो इसमें अफेक्ट नहीं होगा, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ये भी करवा दिया। ठीक, और विच इज़ द लीस्ट एमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रायलाइट, तो ये तो इंडक्टिव इफेक्ट का हो गया, ये आंसर होता है एन एफ थ्री में। एन एफ थ्री आपका लीस्ट, आपका लिस्ट वैसे ही पूछ रहा ना, तो एन एफ थ्री होगा, क्योंकि लोन पेयर जब देगा तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा ऊपर से ये फ्लोरिंग खींचता है बहुत ज़्यादा, तो ये मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट का है, इसका क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, तो बैक बॉन्डिंग से ऐसे ही सवाल आएंगे। ठीक है, कि कब बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, कब बॉन्ड एनर्जी चेंज हो रही है, कब बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, किस में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हो रही है, और बैक बॉन्डिंग किन किन में हो रही है। तो देखो मेनली क्वेश्चन जो जेई मेन्स वगैरह वगैरह और नीट के लिए बता रहा हूँ कि किसमें बैक बॉन्डिंग होगी, तो मैंने क्या बोला सेकेंड सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो, सेकेंड सेकेंड पीरियड का हो और सेकेंड थर्ड का हो, तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी इफेक्टिव, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, एक के पास लोन पेयर हो। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग पे आता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग कैसे कंपेयर करोगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर डिफरेंट एटम है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा, अगर सेम एटम है तो लोन पेयर को देने में कन्फ्यूजन जितना कम बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। ठीक है, और बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ उतना कम। बात समझ में आ रही है, इतना ही चीज़ें ध्यान रखना। और हाइब्रिडाइजेशन कब चेंज होता है, हाइब्रिडाइजेशन जब तब चेंज होता है जब बैक बॉन्डिंग की डायरेक्शन सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की ओर हो, ध्यान रखना। और कब चेंज नहीं होता है, जब सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम की ओर हो। बॉन्ड एंगल के साथ में भी ऐसा है कि बॉन्ड एंगल तभी चेंज होता है जब बैक बॉन्डिंग सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की ओर हो, देखो। ठीक है, और तब बॉन्ड एंगल अफेक्ट नहीं होता है जब जब क्या होता है बैक बॉन्डिंग सराउंडिंग एटम से सेंट्रल एटम की ओर हो। इतनी बेसिक बातें ध्यान में रखो, क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अभी दो तीन पॉइंट्स और बता हुआ है, स्टेबिलिटी और हाइड्रोलिसिस और क्या आपका बेसिक स्ट्रेंथ, उसको भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल है, इसी से ही रिलेट कर दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो बैक इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन देख लिया हमने, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ देख लिया, बच गई ये तीन चीज़ें। देखिए मेनली इंपॉर्टेंट यही है, मैक्सिमम 90% केसेस में यही पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें बहुत कम पूछी जाएंगी, फिर भी मैं बता देता हूँ, स्टेबिलिटी, लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, इन तीनों चीज़ को, ये बहुत छोटे टॉपिक है, इनको आराम से बता देता हूँ। देखिए स्टेबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है, जैसे मान लीजिए सी एस टू प्लस दे दिया और यहाँ ओ एच दिया है, उसी तरह सी एस टू प्लस दे दिया, यहाँ एस एच दिया हुआ है। ठीक, अब ये कार्बोकैटायन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या होता है, अच्छा डोनर होता है, मैंने क्या बताया लोन पेयर डोनर कौन कौन से हो जाएंगे अच्छे बैक बॉन्डिंग में, एफ ओ एन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होंगे, तो बैक बॉन्डिंग आसानी से होगी, तो ये अपना लोन पेयर आसानी से इसे दे देगा, तो ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू इसकी, सल्फर का साइज बड़ा होता है। ठीक है, और ये आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करता। ठीक, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग इफेक्टिवली हो रही है क्योंकि सेकेंड पीरियड का लोन पेयर दे रहा है, यहाँ थर्ड पीरियड का लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। ठीक, तो स्टेबिलिटी का इफेक्ट ये होता है। अब देखिए बी एफ थ्री, बी सी एल थ्री, बी बी आर थ्री और बी आई थ्री, ठीक है, इनके केस में पूछता है आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर और रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे बता, दोनों का एक ही चीज़ होता है। ठीक है, ड्यू टू, देखिए बैक बॉन्डिंग इफेक्टिवली किस में ज़्यादा होगी, बी एफ थ्री में होगी, उसके बाद बी सी एल थ्री में होगी, उसके बाद बी बी आर में, बी बी आर थ्री, उसके बाद बी बी आर, तो स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर ये आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर ये आ जाएगा। देखिए तो बैक बॉन्डिंग होती क्या है, ध्यान से सुनिए। हाँ, एसिडिक अगर बोला जाए, लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हम जानते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, लोन पेयर, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, ठीक है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, एसिड होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो जितनी आसानी से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा।
ठीक है, जैसे H प्लस निकालने वाला भी एसिड होता है, तो जो जितना आसानी से H प्लस निकाल देता है वो एसिड होता है। उसी तरह लोन पेयर एक्सेप्टर भी होता है आपका एसिड, तो जो जितनी आसानी से लोन पेयर एक्सेप्ट कर देगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। तो यहाँ पे देखो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो अगर हम इसको लोन पेयर देने आएंगे तो ये भैया मेरे एक्सेप्ट उतना अच्छा से नहीं करेगा जितने अच्छे से ये करेंगे या फिर ये करेंगे या फिर ये करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके वैकेंट ऑर्बिटल दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग में वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर जाएगा तो लोन पेयर आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर लोन पेयर आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा तो एसिडी की स्ट्रेंथ क्या होगी भैया मेरे? कम होगी। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ठीक है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ठीक है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल जो होता है वो बैक बॉन्डिंग में किसी और के साथ पार्टिसिपेट कर जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। तो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर है ये है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये वाला हो जाएगा। अब उसी तरह देखो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस को कैसे इफेक्ट करता है, ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस क्या होती है? कम होती है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में H2O पार्टिसिपेट करता है, और H2O का लोन पेयर जितनी आसानी से आपका अटैक करेगा, H2O का लोन पेयर, ठीक है, उतना ही रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होता है। तो एक बात बताओ, अगर बैक बॉन्डिंग और लोन पेयर आसानी से तब अटैक करेगा जब वैकेंट ऑर्बिटल खाली हो, और बैक बॉन्डिंग से वैकेंट ऑर्बिटल भर जाता है, खाली नहीं रहता है, तो लोन पेयर आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए, ठीक है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी कम होता है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से वैकेंट ऑर्बिटल फिल्ड हो जाता है और लोन पेयर दूसरा कोई दे ही नहीं पाता है। ठीक है, मतलब वाटर अपना लोन पेयर इसमें दे ही नहीं पाता। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर यही होगा और रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का भी ऑर्डर यही होगा। ठीक है, ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना कि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होती है, लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ, और रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी कम होता है, और स्टेबिलिटी ऐसे इफेक्ट होता है। ये सब चीज़ें स्टेबिलिटी ऑर्गेनिक में आप बहुत पढ़ेंगे, इसलिए मैं छोटा सा बता दी, हिंट दे दिया आपको। जैसे कि इससे भी पूछ देता है, जैसे यहाँ लोन पेयर होगा, एक एच प्लस एक्सेप्टर वाला भी एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे CHCl3 और CH F3 में आपको पूछ दे कौन सा बढ़िया एसिड है, विच इज़ मोर एसिडिक, तो मैंने क्या कहा, एच प्लस निकालो भैया। जैसे एच प्लस निकालोगे यहाँ, जैसे एच प्लस निकालोगे तो क्या बन जाएगा, Cl और Cl बनेगा, यहाँ भी एच प्लस निकालोगे तो C पे निगेटिव आएगा, F F F बनेगा। ठीक, अब लोन पेयर ये वाला बैक बॉन्डिंग किसके साथ आसानी से कर सकता है, ये लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट किसके साथ आसानी से हो सकता है? देखो क्लोरीन के पास आपका क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया, लेकिन फ्लोरीन के पास वैकेंट डी और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, तो इसका लोन पेयर आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये चार्ज यहाँ पे इकट्ठा है, और यहाँ चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर गया, तो ये स्टेबल है ज़्यादा इससे, तो और अगर ये स्टेबल है तो ये अपना एच प्लस आसानी से दे देगा, एच प्लस जितनी आसानी से देगा तो एसिडी की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, एच प्लस निकालने के बाद अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो एच प्लस आसानी से देगा। भाई मेरे कोई भी इंसान दुनिया में कोई काम करने जा रहा है, तो अगर उस काम से वो स्टेबल होगा तो करेगा, अनस्टेबल होता तो नहीं करेगा, तो ये एच प्लस निकाल रहा है तो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जा रहा है, तो ये अपना एच प्लस देना नहीं चाहेगा, एच प्लस देगा नहीं तो एसिड नहीं होगा अच्छा, और ये तो भैया मेरे एच प्लस तुरंत दे देगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जा रहा है। ठीक है, इसकी बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जा रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये सिंपल एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन इसका याद रखना है, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ और रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर दे देता है बोरोन के हैलाइडों में, तो याद रखना, बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी कम। तो ये इतने एप्लीकेशन होते हैं, और सबसे मेन एप्लीकेशन वही होता है हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ वाला। ठीक।
ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं सारे देखो चीज़ें बताने के बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, इसलिए लेक्चर्स थोड़े बड़े होते हैं, और जहाँ ये सोचोगे कि लेक्चर बड़े हो रहे हैं वहाँ तुम सीख नहीं पाओगे। अगर सीखना चाहते हो, ढंग से सीखना चाहते हो, तो मेरे साथ जुड़ो, ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। और जितना बताऊंगा उतना प्रिपेयर करते जाओ, सवाल 100% 110% गारंटी लेता हूँ कि सवाल सॉल्व हो जाएंगे। जो टॉपिक मैं पढ़ा दूँ उसके सवाल तुम मेंस लेवल के, नीट लेवल के और एडवांस लेवल के आराम से सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, कितना समझ में आया जरूर बताना यार, कॉमेंट वमेंट तो तुम लोग करते नहीं हो, गुरु दक्षिणा तुम लोग को देना नहीं है, ठीक है, तो बताना जरूर कितना समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में ये बढ़ेंगे ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे सवाल अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, जय हिंद जय भारत।